Hey guys, welcome back to my channel. My name is Samreen और आज का वीडियो है मोस्ट हाइप प्रोडक्ट ऑल ओवर इंटरनेट, जो इंस्टाग्राम में आपने रील्स में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो में, यूट्यूब में और एड्स में. तो मैं कुछ प्रोडक्ट जो मेरा बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और कुछ रिसेंटली मैंने परचेस किया है, मैंने यूज़ करना शुरू किया है. जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है, बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, वो है सिनेल का ये सीरम. इसको मैंने बहुत, मतलब इसके बारे में मैंने सुना, देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए. और इसको मैंने ट्राई भी किया है, जैसे देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा इसको मैंने यूज़ किया है और थोड़ा सा यूज़ करते ही जनाब ने मुझे बहुत सारा पिंपल्स दे दिया था स्किन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेट प्रोडक्ट, हाइड्रेशन के लिए तो बहुत ठीक है, पर मेरा नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टाइप का मेरा स्किन का कैटेगरी है. तो इसीलिए क्या हुआ कि मेरा स्किन में बहुत जल्दी से पिंपल्स आ गया है, क्योंकि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है. बहुत जिसके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा. बट इसको मैंने इतना यूज़ किया है एंड ऑलमोस्ट मैंने वन मंथ तक इसको यूज़ किया है, तो इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं. जितना इसके बारे में अभी चल रही है बात कि वो ऐसा है वैसा है, सिनेल ऐसा कर देता है वैसा कर देता है, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो करता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इसने मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिया. अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, 1300 का समथिंग का शायद इसका कुछ प्राइस है. सो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, पर आपका अगर बजट अलाउ करता है सो आप यूज़ कर सकते हो. ये प्रोडक्ट है, ये मेरा सामने था तो मैंने दिखा दिया. और मैं 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट को डिवाइड किया है, एक है क्लींजर, सनस्क्रीम, मॉइस्चराइजर, और एक कैटेगरी में है जो सीरम है, कुछ आई क्रीम है एंड मेकअप रिमूवर है. सो फर्स्ट कैटेगरी वो है क्लींजर, और वो है, ये मेरा फेवरेट क्लींजर है, ये है सिंपल का, जो कि पूरा एम्प्टी है. मेरे पास बहुत सारा एम्प्टी ऐसा था. कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी मेरे पास आई थी, मैं बीमार थी एंड मम्मी को लगा कि कचरा घर पे क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था मम्मी घर सफाई करते हुए वो सारी चीज़ को भी बाहर कर दे, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा है, सबकी मॉम ऐसा करेगा दिख के. क्योंकि मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो मेरे लिए हर छोटा छोटा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्टी ये वगैरह, पर मम्मी लोगों के लिए नहीं, वो समझते नहीं है. एनीवेज, ये मेरे पास ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये मेरा सेकेंड परचेज था एंड ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है, एकदम भी स्किन को ड्राई नहीं करता है. इसको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, आप लोग ले सकते हो. एंड सेकेंड क्लींजर है, यो है एक्वालॉजिका का हाइड्रा फेस वॉश कोकोनट वाटर हेलोरोनिक एसिड. ये मैं फर्स्ट परचेस ही मेरा है, मैंने रिसेंट परचेस किया है और इसके लगाते हुए से 3 से 4 दिन ही हुआ है, बिकॉज मुझे वीडियो बनाना था, मुझे ट्राई करना था ये प्रोडक्ट के कि कैसा है नहीं है. सो ओके है, ठीक है, हाइड्रेट करता है स्किन को, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है आफ्टर फेस वॉश. एंड इसको भी आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, बिकॉज फेस वॉश का काम होता है स्किन को अच्छे से क्लीन करना है. इससे ज़्यादा फेस वॉश में और कुछ करता नहीं है कि पिगमेंटेशन, टैन, पिंपल्स वगैरह सब कुछ हटाता नहीं है, सिर्फ आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करते थे. गुड क्लींजर का अगर ज़रूरत है तो आप ये फेस वॉश के यूज़ कर सकते हो. एंड जितने सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जस्ट एक प्रोडक्ट ही था जो कि 1300 का था, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है. स्कूल कॉलेज गोइंग सबके लिए बहुत पॉकेट में, बहुत बजट में बैठ जाएगा, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. सो ये एक क्लींजर है. और ये है मेरा थर्ड परचेज, जो ये डॉट एंड की का ये सैलिसिलिक एसिड और ग्रीन टी. ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल स्किन के पीपल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और मुझे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक क्लींजर है. ये मेरा थर्ड परचेस है
एंड इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी जो कॉलेज गोइंग गर्ल है एंड टीनेजर है, जिसका पिंपल्स आता है, ऑयली स्किन है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सूट भी करेगा और आपको अच्छा मतलब एक क्लींजर अगर चाहते हो तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका 295, बट मैं कोई भी जैसे कि मेरे ये सारे प्रोडक्ट हैं, मैं क्या करती हूँ इनके वेबसाइट में कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है तब मैं इसको परचेस कर लेती हूँ, तो मेरा मनी भी सेव हो जाता है और मुझे अच्छा डिस्काउंट में भी मिल जाता है। एंड और एक फेस वॉश है वो है डॉट एंड की का हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये नॉर्मल ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, ये हाइलुरोनिक एसिड, इसमें राइस वाटर है और ये नाइट टाइम में अभी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा विंटर आने वाला है तो सीजन जो चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा स्किन में थोड़ा सा चेंज जो होता है तो इसके लिए हाइड्रेट भी करता है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एकदम से ड्राई नहीं करते, स्किन को हाइड्रेट भी रखता है एंड एक अच्छा क्लींजर अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। ड्राई स्किन में ये सूट करेगा, नॉर्मल और सेंसिटिव टू ऑयली स्किन में भी सूट कर जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा ये भी अच्छा है। और जो रिकमेंड होगा वो मेरा ये दो रिकमेंड मैं करूँगी, ये है सिंपल का और एक है डॉट एंड की का सैलिसिलिक एंड ग्रीन टी। ये दोनों फेस वॉश मेरा फेवरेट है और ये दोनों फेस वॉश ओके टाइप्स है, आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ख़राब नहीं है क्योंकि ये दोनों भी मैंने यूज़ किया है। तो ये चार फेस वॉश मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड बाकी अब आएगा सेकेंड कैटेगरी में, वो है सनस्क्रीम। तो मेरा जो सनस्क्रीम अभी समर में जो बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है वो है विस केयर का जेल सनस्क्रीम। ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके पिंपल प्रोन स्किन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा सेकेंड परचेस है और अभी ये मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब फर्स्ट वाला यूज़ किया, सेकेंड ट्यूब अभी दो दिन ही हुआ यूज़ किया, फिर अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है तो इसका मुझे अभी नीड नहीं हो रहा है। बट ये बहुत अच्छा, ये पिंपल्स नहीं देता है, स्किन को वाइट कास्ट नहीं देता है, स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ये कॉलेज स्कूल ऑफिस हर एक गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन में हेवी फील नहीं कराते, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, जो कि स्किन में मुझे वैसा सनस्क्रीन पसंद है जो हेवी फील ना करवाए एंड चिपचिपा ना लगे, सो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, सो ये एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है, तो इसको आप लोग ले सकते हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है। एंड ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है डॉट एंड की का स्टिक सनस्क्रीन, जो रीअप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हर दो घंटे में चाहे हम लोग कितना भी बोल ले, हम लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, दो घंटे में हर चीज़ में रुक जाओ, कुछ भी करो, सनस्क्रीन लगाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे भी हम लोग मेकअप करके हम लोगों को जाना होता है क्योंकि प्रेजेंटेबल लगना होता है, काम करना होता है, बाहर में मीटिंग रहता है, पॉसिबल नहीं होता है। सो वॉशरूम में अगर जा रहे हो फिर भी आप सनस्क्रीन नहीं लगा सकते हो तो स्टिक को आप रीअप्लाई कर लो, बहुत अच्छा है रीअप्लाई के लिए। सो यस गाइज, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, ये आप एक ले लो मेरे लिए, मेरा ये फर्स्ट स्टिक है एंड सेकंड मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, सो ये अच्छा प्रोडक्ट है। और एक है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है डॉक्टर सेट का, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये मेरा फोर्थ वाला, ये फोर्थ ट्यूब चल रहा है, थ्री ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा है। इसमें मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया था, मैंने हल्दी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, SPF 50 PA++, ये हाइड्रेट करता है, ब्राइट स्किन को ब्राइटिंग करता है और स्किन में कोई वाइट कास्ट नहीं देता है, तो ब्राइट का जो बात है उसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने थ्री ट्यूब लगाया है तो सनस्क्रीन आपके स्किन में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर देता है कि आपकी स्किन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बट आपके स्किन में बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है, सन प्रोटेक्शन जो चाहिए
वो आपको मिल जाएगा, व्हाइट कास्ट नहीं देगा, ऑयली नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए भी बहुत सुटेबल है। बट इसमें जो स्किन को ब्राइटनिंग ग्लोइंग करने का जो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 3 ट्यूब मैंने यूज किया है तो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर ऐसा कुछ होना होता तो 1 ट्यूब में ही दिख जाता मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट एक अच्छा अगर सनस्क्रीन आपको चाहिए तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये अच्छा सनस्क्रीन है। और वो और एक है जो मुझे अच्छा लगता है, वो है एक्वालॉजिका का D10 सनस्क्रीन। ये मेरा सेकेंड परचेस है, और नहीं सेकेंड नहीं, ये मेरा फोर्थ परचेस होगा, क्योंकि इसको भी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। मैं सनस्क्रीन बहुत मतलब जब ऑफर वगैरह चलता है मैं बहुत सारा सनस्क्रीन ले लेती हूँ, बिकॉज सनस्क्रीन बेस्ट फ्रेंड है यार। सो ये तो लगता ही है, कुछ और लगे ना लगे। एंड जो पहले अभी तो ये वाला ट्यूब आ गया है, जो एक बॉटल में आता, पम्प बॉटल में जो आता था, वो मैंने 2 बॉटल तब खत्म किया था। फिर मैंने ये वाला ये गेट वन बाय वन मिल रहा था तो मैंने ये वाला भी ले लिया है। ये भी मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, व्हाइट कास्ट नहीं देता। इसमें भी आप पैसा मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरा पर्सनल जितना एक्सपीरियंस रहा है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड डॉट एंड की का मेरे पास है विटामिन सी सुपर ब्राइट सनस्क्रीन वाटर लाइट 50 SPF 50 PA++ UVA UVB ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। सो ये भी व्हाइट कास्ट नहीं देता है, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, लाइट वेट है, व्हाइट कास्ट नहीं देता है, ओवरऑल अच्छा सनस्क्रीन है। सो ये भी आप यूज कर सकते हो। इसका मैं बोलूंगी कि मेरा रिसेंट मीन्स ऑन मंथ ही हुआ है इसको मैं यूज करते हुए, ये मेरा फर्स्ट ही ट्यूब है एंड ये एक ट्यूब अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सनस्क्रीन है। सो मैं ऐसा नहीं कि एक ट्यूब लगा रही हूँ तो वही लगा रही हूँ। अभी मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना होता है कि कौन सा सनस्क्रीन क्या है नहीं है, तो मैं बहुत सारा सनस्क्रीन 1-2 दिन ऐसा करके लगाती हूँ। सो ये भी 1 मंथ ही हुआ है एंड अच्छा सनस्क्रीन है, कोई अभी तक मुझे इसका प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरा स्किन में अगर सूट नहीं करता है तो पिंपल्स आ जाता है, सिंपल सा बात है। मेरे स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाता है, मुझे बहुत इरिटेट करता है, पर इस सनस्क्रीन ने ऐसा कुछ किया नहीं है। सो ये भी एक गुड ऑप्शन है, बट मैं रेकमेंड आप लोगों को करूंगी जो लोग टीनेजर है, जो लोग कॉलेज गोइंग है, उन लोगों को मैं बोलूंगी अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप लोग ये विज केयर का जेल सनस्क्रीन लगा सकते हो। एंड आप अगर ऐसा ही नॉर्मल और 2 अगर ऑप्शन चाहिए तो आप लोगों को डॉक्टर सेट एंड एक्वालॉजिका का D10 में भी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज यही मेरे रिकमेंडेशन होगा। एंड स्टिक वाला जो है वो रीअप्लाई के लिए आप लोग रख सकते हो, ताकि आप लोग रीअप्लाई कर सको, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सको। तो सनस्क्रीन का भी कैटेगरी अब एंड हो गया, अब आ गया मॉइस्चराइजर। सो गाइज मॉइस्चराइजर में जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है एंड मैंने बहुत बार भी बात किया है वो है पॉन्स मॉइस्चराइजर का। सो पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर है, सो ये नॉन स्टिकी है एंड हाइड्रेट भी देता है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई है और एक जेल बेस है। और ये मेरा शायद 3 साल से भी ज़्यादा होगा ये मैं लगा रही हूँ। और ये मुझे ये लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तब से मैं इसको लगा रही हूँ। तब तो चलो ऐसे ही मतलब ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में था, इससे मैं छोटा बॉटल लिया था तो 100 में आ गया था, तो पॉकेट फ्रेंडली भी है तो मैंने ले लिया था। तब से मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अभी तो मैं ऐसे ही जो बड़ा वाला जो ये आता है उसमें मैं ले लेती हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम चलता है एंड जेल बेस्ड है। सो ये बहुत अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करता है, ऑयली स्किन के लिए तो ये बेस्ट फ्रेंड है। बिकॉज मेरे को अभी तक 3.5 साल से भी ज़्यादा ही हुआ होगा, बट चलो 3 साल ही मान लेते हैं, पर अभी भी एक ना पिंपल्स दिया है, ना रैश दिया है, ना कभी कुछ शिकायत मिला है। मैं 12 महीने इसको लगाती हूँ, चाहे विंटर हो, समर हो, कभी भी हो, बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन में अच्छे से ग्लो देता है और आपका स्किन को ना बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, आपको बजट फ्रेंडली है, स्कूल कॉलेज टीनेज सब कैटेगरी के सब कोई यूज़ कर सकते हैं, तो हाईली रिकमेंड है, इसको ट्राई ज़रूर करना। और किस किसने इसको ट्राई किया है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना इसके बारे में भी। एंड और एक पॉन्स का सनस्क्रीन सॉरी मॉइस्चराइजर है, वो ये भी विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है, इसमें लाइट मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री है, इसको भी मैं यूज़ ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। एंड इसको इसका जो स्मेल है ना इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और ये एकदम आप फेस में लगाओगे तो एकदम आपको हाइड्रेट करेगा, उसके साथ एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा से ग्लो भी देता है एंड आपको एकदम चिपचिपा नहीं, एकदम लगेगा कि नहीं आप फेस में कुछ लगाए हो। और ये मैं कब लगाती हूँ, जब मुझे डे टाइम पे गर्मी तो रहता ही है, कोलकाता में वैसे भी ठंडा कहाँ आता है, ज़्यादा गर्मी रहता ही है, डे टाइम में मुझे अगर मेकअप करके कहीं जाना होता है जैसे मीटिंग वगैरह रहता है काम की वजह से, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना मेरा इस मेरा जो मेकअप रहता है ना बहुत अच्छा रहता है, एकदम नॉन स्टिकी मेरा लुक जो रहता है ना मैट रहता है, तो इसको मैं तब यूज़ करती हूँ, तो मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने छोटू सा रखा है क्योंकि बहुत टाइम चल जाता है, बहुत ही कम यूज़ होता है, बट आई लव इट। ये भी मैं रिकमेंड करूँगी, ये भी बहुत ही मतलब बजट फ्रेंडली है, जो टीनेज है जो कॉलेज में स्कूल में है, तो बाबू आप लोग देख रहे हो मेरे छोटे छोटे प्यारे बहनों, तो इसको ज़रूर लगाना, आपकी स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और कमेंट करके भी बताना, तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड और जो मॉइस्चराइजर है डॉट एंड की का, ये भी हाइड्रेट मॉइस्चराइजर है, 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल। ओके, ये मॉइस्चराइजर अब लोग देख लो पहले, इसको मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही किया है, आधा तो ख़त्म कर ही दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए उतना ज़्यादा हाइड्रेट नहीं करेगा क्योंकि ड्राई स्किन के लिए और ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होगा, तो ड्राई स्किन के लिए नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन के लिए तो बहुत अच्छा, नॉर्मल स्किन के लिए नाइट टाइम पर भी नहीं डे टाइम पर ओके ओके टाइप है, अच्छा है ऑयली स्किन के लिए ये ठीक है, पर मेरा तो ऑयली स्किन है सो मैं अभी इसको यूज़ कर रही थी सो अच्छा है, अभी भी यूज़ कर रही हूँ मैं इसको, से ये भी ठीक ठाक ही है। एंड ये जो है डॉट एंड की का विटामिन सी मॉइस्चराइजर, इसके बारे में तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मॉइस्चराइजर क्या काम का ही है, जैसे कि देखो मैंने इसको यूज़ किया है, आधा से भी ज़्यादा यूज़ की कर लिया है, पर इसका कोई काम ही नहीं है भाई। ये प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा हाई प्रोडक्ट था कि विटामिन सी ए फलाना ये कर देता है वो कर देता है, कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं बोलता है, बोला जाता है ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, वैसे इसमें पैसा वेस्ट मत करना क्योंकि बकवास प्रोडक्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं, अभी मैंने बंद कर दिया ना, आपको स्किन को हाइड्रेट करेगा ना, आपको लगेगा कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया है या फिर क्या काम का है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगा, मेरे स्किन में सूट नहीं किया, शायद किसी और को कर ले बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। इसमें तो पैसा इन्वेस्टमेंट करना, अगर लेना ही होगा तो आप इसमें ले सकते हो, ये ठीक ठाक प्रोडक्ट है। एंड मॉइस्चराइजर में मेरे पास और दो मॉइस्चराइजर है, वो है ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइजर, एक मॉइस्चराइजर है वो है विटामिन सी मॉइस्चराइजर, एक है मॉइस्चराइजर एच ए हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर। ये मैं लगाती हूँ जब मुझे पीलिंग करना होता है, डॉट एंड की का जो सॉरी ऑर्डिनरी का जो पीलिंग सॉल्यूशन है जब मैं यूज़ करती हूँ तब तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, दूसरा कुछ और कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, अच्छा मॉइस्चराइजर है। एंड विटामिन सी मॉइस्चराइजर ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसको भी मैंने यूज़ ऑलमोस्ट मैंने कर चुकी हूँ, मैं ऑलमोस्ट सॉरी ये थोड़ा सा रनी है बट इसको मैं दिखा नहीं सकती, जैसे कि आप लोग देखो मैं कैसे दिखाऊँ, इसको मैंने यहाँ तक यूज़ कर लिया है
सो ये भी अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसको भी आपका जिसके नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसको मैं यूज़ करती हूँ जब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है। और मेरा स्किन कब कब ड्राई लगता है, जब मैं फेस पैक लगाती हूँ तब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है, तो तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। या फिर रात भर एसी चलता है तब मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है और अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और जो नीचे गिर गया था उसको मैं भी हाथ में लगा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है, सब मेहनत का कमाई का है। सो यस गाइज, ये दोनों प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको लेना है, आपका बजट अलाउ करता है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको मैं यही दो प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी जो है पॉन्स का बेस्ट सनस्क्रीन, मुझे तो सॉरी बेस्ट मॉइस्चराइजर, मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है, क्योंकि रिजनेबल भी है, ऊपर से सबसे बेस्ट वर्क करता है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसने भी यूज़ किया है उसको अच्छा रिजल्ट मिला होगा, क्योंकि ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। कमेंट करके बताना किस किसने यूज़ किया है। ये मॉइस्चराइजर हो गया है एंड अब आता है वो है मेरा सीरम। तो सीरम गाइस, मैं ज़्यादा स्किन में सीरम लगाना उतना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है, पता नहीं क्या मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बट मैंने हाल ही में कुछ सीरम ट्राई किया है तो उसके बारे में बताऊँगी। वो है प्लम का सीरम, वो है राइस वाटर नियासरामाइन 10%। तो ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म पूरा कर दिया है, क्योंकि ये सीरम सच में बहुत अच्छा है। और मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं छोटा पैक ले सकूँ तो ट्रायल के लिए मैं छोटा से ही यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुझे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे से सूट भी किया है, बहुत अच्छा भी है, पिम्पल्स भी नहीं दिया था, स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। जिसका ओपन पोर्स है वो लोग लगा सकते हैं। एंड इसका बड़ा बिग, अगर पहले छोटा वाला ट्राई कर लो, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो बिग में इन्वेस्ट करना, पर मैंने अभी किया नहीं क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये अच्छा एक सीरम है। एंड और एक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो है डॉट एंड की का विटामिन सी 20% सीरम। तो ये सीरम के बारे में एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, मैंने इतना सा तो ख़त्म कर ही दिया है एंड मुझे ड्रास्टिक कुछ चेंज तो नज़र नहीं आया है, ना कुछ ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि हाँ बहुत ही अच्छा सीरम है। बट हाँ, आप लोग अगर लेना चाहते हो, देखना चाहते हो ट्रायल के लिए तो ले सकते हो। बट आपको मैं बोलूँगी, अगर सीरम में पैसा ही इन्वेस्ट करना है तो आप प्लम का जो छोटू वाला जो साइज आता है वो पहले कर लो, उसके बाद अब बिग में जाना। पर प्लम का सीरम अच्छा होता है, डॉट एंड की से तो प्लम का सीरम बेटर है। सो ये मेरे को उतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं है, सो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। और एक और जो ऑर्डिनरी का जो पिलिंग सॉल्यूशन जिसके बारे में बात कर रही थी, ऑलमोस्ट मैंने इसको ख़त्म कर दिया है और ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आपको अगर केमिकल एक्सफोलिएट की ज़रूरत है आपकी स्किन में तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसको सिर्फ 10 मिनट लगाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। आप 9 मिनट रख लो, 8 मिनट रख लो, पर 10 से 11 मिनट नहीं होना चाहिए। और इसको लगाने के बाद ही, जैसे कि मैंने आपको बोला है विटामिन सी हो गया, ये नहीं, कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट नहीं लगाना है उस दिन, जैसे कि विटामिन सी वगैरह नहीं। उस दिन मैं नॉर्मली हाइड्रेट का जो ये हाइड्रेट बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, तो इसलिए मैं ये दोनों को साथ में लगाती हूँ। जिस दिन मैं ऑर्डिनरी लगाती हूँ उस दिन मैं ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, ये अच्छा रहता है एंड स्किन में कोई भी इरिटेट नहीं करता है। सो यस गाइज, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड और एक है जो पिंपल्स जिसका होता है उसके लिए, पिंपल करेक्टर जो एकोलॉजिका का जो जेल है वो है सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी, इसी का ही वाला फेस वॉश, जैसे मैंने पहले भी बोला था बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो इसको जस्ट जहाँ पे पिंपल है वहाँ पे आप डॉट डॉट करके लगा लो, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आपका। बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसा पिंपल क्या हो रहा है, मेरा तो 2-3 दिन में बैठ जाता है, फिर 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ जब भी मेरा पिंपल इधर उधर कहीं पर भी निकल जाता है।
सॉरी, तो ये वही अच्छा है। और एक मैं अभी फिलहाल यूज कर रही हूँ, जस्ट ऑन मंथ ही हुआ है मुझे, तो ये मैं यूज कर रही हूँ डॉट एंड की का रेटिनॉयल आई क्रीम। सो ये बेसिकली आपका स्किन का डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, बट मेरा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि जस्ट ऑन मंथ ही हुआ है एंड बीच में भी मेरा थोड़ा बहुत गैप भी हो गया था। बट ये स्किन का जो आई एरिया में जो जो ड्राई हो जाता है, पफिनेस रहता है, तो आई एरिया को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। सो आपका आई क्रीम अगर चाहते हो तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे अच्छा ही लगा है एंड आगे जाके ये अच्छा रिजल्ट भी देगा क्योंकि अभी तक मुझे अच्छा लगा है। सो इसको मैं प्रॉपर पूरा ट्यूब खत्म करूंगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि डार्क सर्कल कितना मेरा रिमूव हुआ है। एंड आई सीरम में अब जा सकते हो तो ये ऑर्डिनरी का सीरम है, आई सीरम, ये भी बहुत अच्छा है। जो स्किन में जो पफिनेस आ जाता है उसके लिए भी ये बहुत ही कैफिन सॉल्यूशन 5% है, इसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जस्ट आपको लगाने से पहले एक बार सेक करना है, उसके बाद जस्ट ऑन ड्रॉप लेने के बाद हल्के हाथ से इसको मसाज करके छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड और एक चीज़ जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, वो मेरा फेवरेट है, वो है प्लम का बी गुड प्लम, ये क्लींजर बम है गाइस। इससे अच्छा रीजनेबल में मार्केट में आपको मेकअप जो क्लींजर बम होता है ना, कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा थर्ड बॉटल है, दो बॉटल मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, मैं दो डब्बा, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत लॉन्ग टाइम भी चलता है, जस्ट आप लेके अच्छे से मेल्ट हो जाता है, वाटर प्रूफ मेकअप को भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। सो हाईली रिकमेंड है, इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यस गाइस, आज जो मैंने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताया है, एंड और एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गई थी वो है, ये मुझे अभी फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है क्योंकि ये विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन है। जैसे कि कोई भी सनस्क्रीन हो, ये सनस्क्रीन का छोटा सा ट्यूब है, राइट, ये सनस्क्रीन हम लोग बॉडी में नहीं लगा सकते क्योंकि ये फेस में लगाते हैं। वैसे भी एक सनस्क्रीन का प्राइस तो कुछ ना करके 450 तक, तो 500 से नीचे नहीं आता है, फिर 500 ऐसा कुछ दाम होता है, और पूरा फुल बॉडी में लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भी बॉडी लोशन का भी काम करता है, UVA UVBA प्रोटेक्शन, SPF 50 है। सो इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो, बाहर जाते हो तो बॉडी में भी टैन हो जाता है, तो बॉडी को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं इसको फर्स्ट बॉटल ही है, आधा ख़त्म हो चुका है, अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि सच में ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप लोग भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने अपना रिव्यू दिया, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, हो सकता है कि मेरे को जो सूट नहीं किया होगा आप लोगों को सूट किया होगा। आप लोग भी मुझे कमेंट में रिकमेंडेशन देना कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, नहीं है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड आई होप आज का वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानने मिला होगा। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पूरा पूरी स्किन रिलेटेड के बेसिस में ही मैं वीडियो बना रही हूँ ऑलरेडी। सो आई होप वो वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और अच्छे रहिए, खुश रहिए, बहुत सारा प्यार अभी के लिए, बाय।